नू सदर थाने के बाहर हम मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से आरोपियों को पुलिस लेकर निकल रही है। आप विजुअल देखिए, ये देखिए 44 आरोपी थाने के भीतर मौजूद हैं। यहाँ से पुलिस आरोपियों को लेकर निकल रही है। लगातार पूछताछ हो रही थी। यहाँ से कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप विजुअल में देखेंगे, यहाँ थाने पर लेकर पुलिस निकलने वाली है, इकट्ठा किया जा रहा है। आपको बता दें कि 44 आरोपी यहाँ पर हैं। नू हिंसा में 137 लोगों को किया जा चुका है, 45 FIR हो चुकी है। देखिए जो मंगल दो आरोपी हैं, नू हिंसा के आरोपी हैं, नू हिंसा के आरोपी हमसे थोड़ी देर बाद यहाँ से आरोपियों को लेकर पुलिस निकलेगी। देखिए एक बार फिर से यहाँ पर गेट बंद कर लिया गया है, गाड़ी यहाँ पर तैयार हो गई है। एक बार तस्वीरों में दिखा दें, ये देखिए ये आरोपी निकल रहे हैं। अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे हम। यहाँ आपको ये देखिए आरोपियों को लेकर पुलिस सभी आरोपियों को दंगे किया क्या नाम है आपका? क्या शामिल किया? लेकर निकल रही है पुलिस, गाड़ी में बैठाया जा रहा है, कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप तस्वीरों में देखेंगे। आपको बता दें कि 44 आरोपी थाने के भीतर मौजूद हैं, उनमें से कुछ आरोपियों को लेकर गया है ले जा रही है पुलिस। ये तस्वीर देखिए, इस तरह की स्थिति थाने के बाहर यहाँ पर बनी हुई है। अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। पहले से ये रिमांड में थे, सूत्रों के मुताबिक फिर से एक बार पुलिस जो है वो रिमांड मांगेगी। ये आपको तस्वीरों में दिखा दे, यहाँ तस्वीरों में देखिए जो आरोपी हैं वो वैन में बैठे हुए हैं। नू हिंसा में जबरदस्त हिंसा भड़की थी सोमवार को, और 137 गिरफ्तारियां हुई हैं, और अब उनमें से जो कुछ आरोपियों का एक गुट है उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आप पुलिस वैन में ये देखिए, पुलिस बल अंदर मौजूद है और साथ ही आरोपी अंदर हैं। यहाँ से लेकर पुलिस अब निकल रही है। बता दें कि 44 आरोपी सदर थाने में थे, उनमें से आरोपियों के एक गुट को लेकर पुलिस अब यहाँ से निकल रही है। ये तस्वीर देखिए, ये हम दिखा रहे हैं। लगातार धरपकड़ चल रही थी हरियाणा पुलिस की, एसटीएफ की, लगातार गिरफ्तारी की जा रही थी। ये देखिए अब कोर्ट में इन आरोपियों को पेश किया जाएगा। क्या फिर से रिमांड मांगी जाएगी? क्योंकि बताया जा रहा है कि जो यहाँ आरोपी थे नू सदर थाने में वो पहले से ही रिमांड पर थे। लगातार सख्ती हरियाणा सरकार की तरफ से की जा रही है। साफ तौर पर कहा गया है कि बख्शा नहीं जाएगा जो भी साजिश करता और षड्यंत्रकारी होंगे।